कौन जगह आस किए देखी कह नमस्कार, देखिए अभी महामारी का समय है, कोरोना का समय है, प्लीज़ आप लोग मास्क पहनिए। तो ये कौन सा स्नेक है मैं निकालता हूँ, उसी बोलता हूँ कौन सा, सभी को नहीं बताता हूँ। भीड़ है तो मैं थोड़ा से देने पर असल वेकर वालों को नेक्स्ट साफ निकालना मेरे को। ये सांप काटने से हर आदमी किस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये सांप काटने से तुरंत कोबरा का रकम जहर नहीं उड़ता है, इसका स्लो स्लो उड़ता है, पैर फूल जाता है। बहुत सारा आदमी झाड़ के चक्कर में रह जाते हैं, मतलब अंधविश्वास में रह जाता है, जिसके लिए अपना उस पैर के नुकसान, अपने पैर को लास्ट में कटाना भी पड़ता है। आज एक मैं नया चीज़ देखने पर है, मेरे हाथ में चूहा, इसका लांच में कांटा है, खत्म थोड़ा सा आज मैं पहले बार देखा रसल के इस पे कांटा खड़ा रहता है। सारा रेगी किया चलिए नया सांप निकालते हैं। कौन जा रहा था? कौन बात कर रहा है भाई? आओ जाओ जी। कौन बात कर रहा है? ये देखिए इनका सारी प्रथम यही जगह थी। देखिए बाजू में था
आराम से आराम छाट पछु आराम ए खुंट अच्छी ना कौन गच्छ देख हाथ रज देख 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 और एक रसल निकला तो मैं आपको दो रसल दिखाऊंगा, इसलिए कि मेरे पास में कपड़ा नहीं है, एक ही कपड़ा है, नहीं तो मैं अलग अलग भर्ती कर देता, बहुत बड़ा रिक्स काम है, तो भी मैं दोनों को दिखा के दोनों को एक साथ भर्ती कर देता हूँ, मेल और फीमेल है। मैं वो लोग जो गांव वाला बोल रहा था कि एक साथ दो था, तो अभी सही में दो था, एक हो मिला एक है, मैं निकाल पाऊँगा। और असल का रहने का देखिए घर स्थान कैसा, उनको साफ रहता है पूरा, जहाँ पे वो रहते हैं उस जगह पूरा साफ। ये देखिए अंदर से कैसा बाइट करता है, देखिए दो रसल है, पर वो पकड़ने का तरीका होना चाहिए, ए पकड़ा ए देखिए, मतलब ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करने का, इसका ज़्यादा मतलब छेड़खानी नहीं करने का, मेल और फीमेल दो ही रसल है, पर हर आदमी गांव में गाँव में अंधविश्वास है कि सांप काट लेंगे तो हम खुद गाड़ कर लेंगे, आप करिए कोई बात नहीं, आपका जान आप खुद गंवा लेंगे, आपण मान को साप जदि कामुड़ा सीधा हॉस्पिटल जीवे, ये सब साप कामुड़े लोक कहते चक्का दिहरे दाग हो ना दाग हेनी दिहटा फुलवा आरंभ करद, जो कामुड़ से जगटा फुलवा आरंभ होदि आप झाड़ रही लास्ट गुड़ कटा हे ना हाथ कटा हे, जदि हस्पिटाल ट्रिटमेंट कले आपर किसी असुविधा हम नहीं, कोरोना आपण मैंने सब मास्क पिंधतु, गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइन है प्लीज आप लोग मानिए उसका गाइडलाइन। तो मैं ये नहीं बताता हूँ कि मेरा 25 साल 30 साल का अनुभव है, 20 साल का सांप के सामने कोई अनुभव नहीं करेगा, अब कितने भी बड़ा एक्सपीरियंस नहीं कि कोई अनुभव कोई एक्सपीरियंस काम नहीं करेगा, एक्सपीरियंस कहाँ काम करेगा, आपको कैसा रेस्क्यू करना है, आपको कैसा बच के निकलना है। कपड़ा खुलो
तुम क्या है सांप को देख रहे हो माटी पड़ी धूल ये लग अरे बात है मेरे भाई जितने भी भारत में स्नेक पकड़ते हैं प्लीज आप वो लोग को सपोर्ट कीजिए क्योंकि बहुत खतरनाक काम है एक दूसरे का विरोध मत करो आप लोग क्योंकि हमारा भारत में एक सिस्टम है एक स्नेक पकड़ने से लगेगा नहीं भैया क्योंकि ये काम बहुत खतरनाक है हम एक दूसरे दोस्ती बना के रखेंगे एक दूसरा अच्छा से अच्छा काम करेंगे वही अपनों का बड़ा मौसम साथ के आगे सब गायब होने से ना सब जीरो साथ का चलो इसको पहले भर्ती कर देते हैं कर दो भर्ती कर दो बस आपको मैं खाली तरीका दिखाता हूँ कोई टेंशन का वाणी आराम से काम होगा सब लेकिन ऐसा देख के आप वीडियो कॉपी मतलब ऐसा देख के सोशल मीडिया में कि हम सांप पकड़ के वीडियो डालेंगे ये आप बहुत बड़ा खतरनाक काम है हम लोग का भी एक्सपीरियंस कभी कभी फेल हो जाता है तो कोई भी ये वीडियो देख के कॉपी ना करें चलो तो आप ये देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे लोग खड़े हैं तो यही लोग सुनिए तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे क्या है ना खेलते रहते हैं स्कूल भी आ गए इतना समझदार है कि ताकि हमारे बच्चों को स्नेक बाइट ना हुए क्योंकि रसल वेपर बाइट हुआ इस गांव में लोग जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है क्योंकि ऐसा मैं जगह से निकालता नहीं हूँ कि रोड के सामने इसलिए मेरे को निकालना पड़ा तो ये लोग का बहुत बहुत धन्यवाद तो गांव ना था कौन डिस्ट्रिक्ट तो मेरा जय हिंद जय भारत बहुत बड़ा फैन है हम आपका।